कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा ते संगो कवि कर्मणि। चौदहवां दिन के युद्ध दोसर दिनन का युद्ध से तनिका अलग बा। युद्ध के नियम त आजू से पहलहू तुरल गईल, जेकर सबसे साफ उदाहरण एक ओरी भीष्म के बिछौना बा औरी दूसरा ओरी अभिमन्यु के हत्या, जेकरा सात महारथी घेर के मुआ दिहले। बाकी आज जे भइल ऊ आवे वाला दिनन के बात बताबत बा कि शायद एह युद्ध के समाप्ति होत होत कवनो नियम टूटला से ना बाँची। अब ही ने एगो दूगो युद्धा कवनो नियम तुरत रहे, बाकी आज दोनों सेना के हर योद्धा और हर सैनिक सूरज डूबे के आदर ना कैलस, और सूरज डूबला का बाद भी युद्ध चलत रहे। जयद्रथ के बध का बाद भी सूरज डूबल, बाकी युद्ध का समाप्ति के संख ना बाजल और मसाल जर उठल। तबे एगो ऐसन तूफान जस आयल कि कौरव सेना में अचानके भगदड़ मच गईल। सभे मसालन का अंजोर में देखल कि उनका सोझा पहाड़ जैसन एगो विशाल देह वाला आदमी ठाढ़ बा, और सब कर सांस ओकरा देख के जैसे रुक गईल। ऊ रहे
भीम अउरी हिडिंबा के बेटा घटोत्कच जे अभी अभी युद्ध भूमि में आयल रहे। हे आचार्य, ए पांडवन के सेना में दिन भर युद्ध कैला के बाद एकदम से अतना शक्ति कहां से आ गई? इता असुरन के युद्ध शैली लौक रहल बा। असुर, ये असुर कहां से आ गई ले? कौन योद्धा है गुरुदेव? इधर हमार सेना के ऐसे फार रहल बा जैसे पवन काई के फार देला और जैसे बिजुरी छत नार गाछन के गिरा देला। ये भीम पुत्र घटोत्कच के अलावे दोसर केहू ना हो सके राजकुमार दुर्योधन। प्रणाम दानवीर कर्ण, राउर वीरता के बड़ कहानी सुन ले हई। भीम पूत घटोत्कच कावरी से ई पुरस्कार ग्रहण करी। गुरुदेव, युद्ध के समाप्ति के शंख बजाई न तो ई भीम पूत केहू के जीत ना छोड़ी। आवा बेटा, भाई जी, ये हमार बेटा है घटोत्कच। यशस्वी होखा बेटा, यशस्वी होखा। कीर्तिवान होखा।
जियत रह बेटा। वीर अभिमन्यु के वीर गति पौला का बाद जे स्थान खाली भइल बा हम ओ स्थान का जोग त नहीं खी, ए खातिर बेटा न सही सेवक मान के हमरा के स्वीकार करी। ये तू का कह देला बेटा, ये तू का कह देला, तू तो अभिमन्यु से बड़ा हुआ बेटा और तू अपन स्थान स्वयं ग्रहण करवा। यदि ऐसन बात हे जेठ पिताजी, जब परिवार संकट में रहे तो अपन यह सेवक के युद्ध में भाग लेवे के आदेश काहे ना देहली। हम मानत है कि हमार माई छत्रानी ना है, बाकी ये तोहरा जैसन महावीर के जन्म दे उ आदर जोग नारी छत्रानी ना भी होके तबो छत्रानी है। कहे कि नागफनी का पौधा पर चमेली के फूल त ना सके। हे बेटा, केहू जन्म से ब्राह्मण भा क्षत्रिय ना होला, तू बीरन के जाति के हवा, कहे कि तू महावीर हवा। हे चक्रधारी, हे गिरिधर, हे नरन में नारायण, यदि ऐसन बा तो माता द्रौपदी के बेटन और माता सुभद्रा के बेटा लेखा हम एहवा कहे न रहनी। हे बेटा, सबकर आवे और जाए के वो उचित समय होला, तू यहां ठीक समय पर आयल बाड़ा। और हे महावीर, भारत वर्ष के भविष्य खातिर तू सदा आदर जोग रहबा और छत्रानियन के बेटा तोहरा के सदा आदर सहित प्रणाम करत रही है। तू भारत हवा और भारत वंश कबो तुहार ऋण ना चुका पाई। प्रणाम। धन्य है वो माता जे तोहरा जिसन बेटा के जन्म दिले हैं। हम वासुदेव कृष्ण उनकरा के प्रणाम करते हैं। हे माता, हमार बेटा के आपन आशीर्वाद के छांव दी ही। माता, लम्हार आयु के वरदान तो हम नहीं खी मांगत, काहे कि लम्हार आयु तो कायरन के भी हो सकेला। हम अपना बेटा खातिर जिंदगी के एगो ऐसन छन मांग रहल हैं जेकरा देख के बड़का बड़का सूरबीर लजा जांस। प्रणाम। का समाचार ले आयल हवा? भीमपूत कौरव सेना के छक्का छोड़ा देले, वैसना बेरा पहुंचले जब युद्ध के तराजू के दोनों पल्ला समान रहे। उनकरा पहुंचते पांडव सेना के पल्ला भारी पड़े लागल। उनकर बाण आचार्य द्रोण और दानवीर कर्ण तक के घबराइल कैले। दुर्योधन के हाथ गोड़ फूल गइल और ई घबरा के आचार्य द्रोण से कह के युद्ध खत्म करा दिलस। ता ओकर पिताजी तो बहुत खुश भइल होई हैं। ओ दोनों के भेंट तो हम ना देख पौली, बाकी हम जे देखली ओ पर असुर जाति सदा गर्व करी। वासुदेव कृष्ण कहले, ए बेटा, जे तोहरा जैसन महावीर के जन्म देवे वो आदर जोग नारी छत्रानी ना हो तब वो छत्रानी हो। कहे कि नागफनी का पौधा पर चमेली के फूल ना उगे। और फिर वो कहले, हे बेटा, तू बीरन के जाति के हवा, बाकी वासुदेव के एगो बात हमरा समझ में ना आई। ऐसन का कह दे वहाँ के कहली, ए बेटा, सबकर आवे और जाए के एगो उचित समय होला, तू ठीक समय पर आई हवा। भरत कुल कदापि तुहार ऋण ना चुका पाई बेटा। ऐसन कहले हूँ? हाँ, यह बात हमरा समझ में ना आई कि वहाँ के ऐसन काहे कहली। हे माता, तू अपन ये भक्तिन के लाज रख ले लो, हमार ममता के मान बढ़ा दे लो। हम अपना बेटा खातिर इहे एगो छंद मांगत रही। अब हम भरत वंश के कुल बधुवन का संगे बैठ सकत हैं। महतारिन से ही बढ़े सदा देश के मान धन।
शीश दे माई ममता खान, माई ममता खान। का भइल कुंती? सैनिक एगो दोसर सैनिक के लाश ले ले जा रहल हवे दीदी। तू जेकरा ओरी से भी युद्ध कैले होखा, तू हमार आपन हवा। भरत वंश के ई दोनों कुलबधू तोहर रीनी है सैनिक। का बहिल ताच्छरी, प्रणाम ताची। हम तोहरा कवन आशीर्वाद दी, हम तो दोनों के सामना नहीं खी कर सकत। जे कुछ हो रहल बा ओकरा खातिर हम अपना आप के कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानत हैं। रवा ऐसन काहे कह रहल है दादजी? भरत वंश का भाग में इहे लिखल रहे, तो रवा का करती? भाग्य तक करम फल है बेटी, हम एको प्रतिज्ञा बोले रही, इस अब वही के परिणाम है। हम वर्तमान है बेटी, अपना अतीत से भी लज्जित बा और ये अपना भविष्य से भी, और ये हमार दंड है कि हम मेहमानन के बिछवना पर पड़ल पड़ल और भरत वंश के सर्वनाश के दृश्य देख रहा है, जेकरा बचावे खातिर हम अन्याय के पक्ष ले ली, और ये हमार बेबसी देखा बेटी कि हमार उहे प्रतिज्ञा हमरा के प्राण त्यागे की आज्ञा नहीं खे देत। काहे कि जितना हमार हस्तिनापुर आज असुरक्षित बा, उतना असुरक्षित पहले कबो ना रहे। हम राउर बेबसी समुझत हैं तात जी, बाकी हम वासुदेव के कबो क्षमा ना करब। यदि ऊ सचहू चाहते तो ई युद्ध रोक सकत रहन। चाहे दुर्योधन वीरगति पाबे, चाहे युधिष्ठर, बाकी आग तो हमरे कोख में लागी ना। रउए बताई तात जी, हमार ममता कतना लाजन के बोझा ढो सकत बा। सोक चाहे हम प्रगट करी, चाहे कुंती, बाकी हमनी दोनों का आंखिन से एक ही लोर बहरहाल होखी।
एक ही लोर बहरहाल होखी ताची, एक ही लोर बहरहाल होखी। बाकी मत भूला बेटी कि वासुदेव भरत वंश में सीमित नहीं खान। भरत वंश में तो शायद हमने में से केहू भी सीमित नहीं के ताची, न रवा न जेठ जी न दीदी और न हम। जैसे हर छन छन भी होला और काल के महासागर के एगो बूंद भी, ओसे ही हर आदमी भी खाली आदमी ना होके। यदि हम खाली कुंती रहती ताची ता आज अपना बेटन का शिविर में रहती, दीदी खाली गांधारी रहती तो दुर्योधन के विजयश्री के आशीर्वाद दे चुकल रहती। हमनी सब एगो जंजीर के बीच की कड़ी हैं, जे बीत गए हम ओकर उत्तराधिकारी हैं और जे बीते बाला बा ओकर जिम्मेदार। हमनी वर्तमान हैं ताजी, हम वर्तमान हैं जेकर शुरुआत के छन रवा हैं और हमनी सब भी बानन का बिछावन पर हैं। राउर बिछावन लौक रहल बा ताजी, हमार राउर दीदी के बानन के बिछावन लौकत नहीं खे। एही खातिर तो हमनी दोनों रवा भी एह दर्द के दवाई पूछे आयल हैं ताजी। रवा वासुदेव की बात मत करी, उनका तो दुख सुख के सागर भी जाइए ना सके। बाकी दीदी तो वासुदेव नहीं की, हम तो वासुदेव नहीं की और ये दर्द हमार सहन शक्ति के सीमा पार कर चुकल बाता जी। दीदी का करस ताजी, हम का करी ताजी, हम का करी। तू भी उहे करा बेटी जे हम कर रहा है, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा केकर प्रतीक्षा ताजी? युद्ध के अंत की, हस्तिनापुर के सुरक्षा के प्रतीक्षा करा बेटी। और ये समझला कि ना हमार कोनो महत्व बा, ना तोहार, ना ही अर्जुन के, ना ही दुर्योधन के। महत्वपूर्ण खाली हस्तिनापुर और योक सुरक्षा बा बेटी। ये मत सोचा कि विजय के अमृत के पी ही और पराजय के माहुर के, खाली हस्तनापुर के बारे में सोचा बेटी, दर्द कम हो जाए। चिंता अपन छोड़ के राखे राष्ट्र ध्यान, धन्नी धन्नी यही भूमि के भीष्म सपूत महान, भीष्म सपूत महान। भारत भूमि बटे नहीं रहे सुरक्षित देश, युगन तलक जियत रहे ई है अमर सनेश, ई है अमर सनेश। प्रणाम माता जी। जियत रहा बेटा। हमरा लम्हर आयु ना चाही माता जी, हमरा विजय चाही। विजय
विजय तो हमरा भीरी नहीं खे बेटा। का रवा जानत है माता जी क्या रवा कितना बेटन के माई रह गल हई? मैं तारी अपना बेटन के लाश ना गिनस। अब रवा खाली दू बेटन के माई रह गई हई। तजे आशीर्वाद दे रहल हई बेटा वो आशीर्वाद ले ल। और जे आशीर्वाद हम ना दे सकी वो आशीर्वाद लेबे के हट छोड़ द। हे बेटा यदि हस्तनापुर बा तो हमनी सब बानी और यदि हस्तनापुर नहीं खे तो हमनी में से केहू भी नहीं खे। ए खातिर बेटा हस्तनापुर का बारे में सोचे सीखा और हो सके तो अब ही वो सुलह के कौनो ना कौनो राह खोजे के जतन करा बेटा। कबो ना माता जी यदि वो हमार भाई होकला के नाते कुछ मंगते तो संभव बा क्या हम उनकरा के कुछ दे भी देती। बाकी यदि वो अपन अधिकार जतावल चाहत हमें तो हम उनकर अधिकार माने खाते तैयार नहीं थी। और यदि रवा रऊ सुलह चाहत हो कि माता जी तो जाई हस्तनापुर लौट जाई। ना बेटा अब तो हम युद्ध का अंत ले एवे रहब। महारानी के जय हो। पांडु कुमार चरण छुए खातिर आवे के आज्ञा चाहत हवे। उनकरा आवे से काहे रोक लू? माई का भीरी आवे खातिर बेटन के आज्ञा की जरूरत ना होके। जा उनकरा तुरंत ले आवा। जय आज्ञा। ए बात के ध्यान रखे हा बेटा कि ऊ तो हर भाई है और ये लाठी मरला से पानी अलगा ना होके। लाठी मरला से पानी अलगा हो ना माता जी और ये पानी अलगा हो चुकल बा। युधिष्ठिर तोहार जेठ भाई है ओकरा प्रणाम करी हा। प्रणाम। जियत रहा अनुज। प्रणाम बड़की माई। धर्म के चिन्हानी बना बेटा। प्रणाम बड़की माई। जियत रहा। प्रणाम बड़की माई। जियत रहा। प्रणाम बड़की माई। यशस्वी होका। प्रणाम बड़की माई। यशस्वी होका। हम अपन 98 भाइयन अरे और पोता अभिमन्यु के मृत्यु पर शोक जतावे आयल है बड़की माई। हमार और दुशासन का बेटन के मृत्यु पर भी शोक जता दी जेठ भाई जी। काहे की का पता कि फिर शोक जतावे के अवसर मिले या ना मिले। और ये ध्यान रहे कि युद्ध अब ही खत्म नहीं खे भाईल। जब ले हमार प्रतिज्ञा पूरा ना हो जाई तब ले युद्ध खत्म भी ना हो सके दुर्योधन। और पांचाली के खुलल बार तब ले युद्ध के खत्म होके भी ना दी। प्रिय भीम। चिमा चाहती बड़की माई। बाकी हम का करी दुर्योधन और दुशासन में से जब भी केहू सोझा पर जाला तो हमरा वो हस्तिनापुर के राजसभा के अश्लील दृश्य याद पर जाला।
अपना क्रोध के जीते के जतन करा अनुज भीम। ना भाई जी, ना। धर्म युद्ध में क्रोध भी एगो शक्तिशाली शस्त्र है, और हमनी में से केहू भी कुछ भी भूले के तैयार नहीं थे। काई भुलाए के बात हो कि हमार पितामह हमरे बानन के बिछौना पे सुतल हवे? काई भुलाए के बात हो कि भाई दुर्योधन का कारण हमरा अपन 98 भाइयन के बध करे परल? का हम ई भुला जाई कि 7 महारथी मिल के हमार निहत्था और घवाहिल बेटा के घेर के मुआ डर ले? भुलाए के बात यो ना प्रिय अर्जुन कि क्षत्रिय इतिहास में तू ही ऐसा 5 क्षत्रिय हवा जो अपना पांचाली पत्नी के दांव पर लगौले रहे। यदि बड़की माई सोझा ना रहतिन भाई दुर्योधन, तो ई कहला खातिर हम तोहार जीभ खींच के तोहरा गर्दन में लपेट देती। नकुल, अपन ए असभ्यता खातिर बड़की माई और भाई दुर्योधन से क्षमा मांगा। बड़की माई से तो हम कुछो मांग लेब, बाकी इनकरा से कुछ ना मांगब, ना क्षमा ना आशीर्वाद। तो शिविर से बाहर जाके हमार बात जोहा। युधिष्ठिर। जी बड़की माई। तू के होला हमार प्रिय नकुल के शिविर के बाहरे निकाले वाला? क्षमा चाहते हैं बड़की माई। हमरा क्या आज्ञा दी ही माता जी? हमरा आचार्य द्रोण के संगे बैठ के काल खातिर रणनीति तैयार करे के बा। प्रणाम माता जी। प्रणाम जेठ भाई जी। अब हमरो क्या आज्ञा दी ही बड़की माई? अभी ले हम माई के चरण नहीं खींच छोले, और यह युद्ध की आज्ञा दी ही जेकरा से हम भारतवर्ष और भारतवंश के बचावे के जतन कैले हई। का विजय श्री के आशीर्वाद ना मंगबा बेटा? जी ना। काहे? काहे कि हमरवा के धर्म संकट पे नेखी डारल चाहत। प्रणाम बड़की माई। 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 यह तो धर्म संकट है बेटा। हम ये जानत हैं कि रणभूमि कुरुक्षेत्र का ओह पार तोहार शिविर बा। बाकी भरत वंश के मर्जाद हमरा के ओह शिविर में जाए के आज्ञा नहीं के देत बेटा। यदि हमहू चल जाई तो दीदी एकदम अकेल पड़ जाई है बेटा। हे बेटा, कवनो माई का आंखिन भिरी 100 बेटन पर रोवे खातिर लोर ना हो सके, तो आपन आंख औरी उनकरा लोरन के सगरे कोश उन्हीं के दे देले हैं बेटा। हमनी दोनों माई आपन लोरन का दलदल में धसल ठाणा है बेटा। तू लोग आपन धर्म औरी आपन कर्तव्य के पालन करा बेटा, औरी हमरा आपन धर्म औरी आपन कर्तव्य के पालन करेदा। ई मत भूला बेटा कि तोहार माई होखे से पहले हम भरत वंश के पतोह हैं, औरी एह नाता से हस्तनापुर से बनाएल हैं। हमार मुक्ति के राह हस्तनापुर से ही निकसी बेटा। एह खातिर हमार चिंता मत करा। हस्तनापुर का बारे में सोचा। औरी हे युधिष्ठिर, रणभूमि में हमार सहदेव के अधिका ध्यान रखिया। पांचाली राव चरण छुए चाहत है माई? ना बेटा, द्रौपदी के एवा आयल उचित नहीं खे। ओकरा हमारा आशीर्वाद दिया औरी कहिया कि ओकरा से तो युद्ध खत्म भैला का बादे भेंट हो सकी। हे अर्जुन, का तू ई बता सकेला कि युद्ध कब खत्म हुई? दिन तो नहीं बता सकत माई, बाकी ई अवश्य कह सकत है कि जब ले दुर्योधन
दुशासन, कंधार नरेश शकुनी और इस सूत पूत कर्ण में से केहू एगो भी जियत बा तबले युद्ध खत्म ना हो सके। अधर्म और यह सभ्यता के चारों खंभा के केरावल जरूरी बा माई, जरूरी बा। कर्ण का कहले बा बेटा, उ तो दुर्योधन के ऋणी हा और उहे ऋण उतारे के जतन कर रहल बा। दुर्योधन के कौनो ऋण उतारे खातिर द्रौपदी के पेशिया कहल जरूरी ना रहे माई। हम तो घटोत्कच के बारे में सोचत सोचत थाक गईली, बाकी हमरा समझ में कौनो उपाय नहीं खे आवत। तका रवाई कहे चाहत हैं गुरुवर, कि हम जी अर्जुन और भीम से युद्ध करे आयल हैं, हम ई युद्ध और अच्छा से आ जाए। हम जय पराजय के बात नहीं की करत दुर्योधन, ई समझला कि घटोत्कच एगो अचूक अस्त्र है जे पांडवन के हाथे लाग गईल बा, ओकरा परास्त करे के खातिर कवनो दिव्यास्त्र की जरूरत होई। दिव्यास्त्र? हमरा ओरी ऐसे मत देख अमित, इंद्र के दिहल शक्ति हम अर्जुन खातिर बचा के रख ले हैं। घटोत्कच के उपाय या तो तू स्वयं करा या फिर आचार्य सोचस। Ha 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 ha
हम तोरा से ही पूछा इलाही मीत कि स्वयं अपन रक्त में नहाइल तुहारी मीत तोरा कैसन लग रहल बा, और थोड़ी का देर के बाद ना तो तुहारी मीत रही और नहीं ओकर सेना, फिर तू रणभूमि में अर्जुन के खोजत रही। यदि तोरा खातिर अर्जुन के महत्व तोरा मीत दुर्योधन से अधिका बा, तजा हम तोरा के अपन मिताई के बंधन से मुक्त करत हई। ऐसे मत कहा मीत, ऐसे मत कहा। शत्रु सेना पर गिर जा, शत्रु सेना पर गिरा बेटा, शत्रु सेना पर गिर जा। पिताजी, हमार अंतिम प्रणाम। तू हमार वीर बेटा के वीर गति पावला पर हंस रहा हवा कृष्ण? हम ओकरा वीर गति पावला पर नहीं हंस रहल मजलू भैया, हम तो यही सोच के खुश हो रहल हैं कि आज अर्जुन बच गेल। जौना दिन से ई युद्ध शुरू भेल रहे वही दिन से हम यह चिंता में रही कि कर्ण भेरी इंद्र के शक्ति बा जकरा कोनो कवच रोक ना सके, और यही खातिर हम कई दिन ले अर्जुन के कर्ण के सोझा आवे ना देत रही।
अब रउए बताए मजलू भैया की शोक के घड़िया के आनंद के राउर बेटा त वीर अभिमन्यु से भी कहीं अधिका महत्वपूर्ण काम कैले बा और एकरा खातिर आवे वाला सगरे युग वीर घटोत्कच के प्रणाम करत रही। कई नहीं सकी है कर्ण अब फिर दिव्यास्त्र प्रयोग यह सोच हरी हसी दिहन लगे दुखी सब लोग अमर घटोत्कच कई गैल मर के अस परमार्थ कर्ण अरक्षित हो गयल और सुरक्षित पार्थ सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत कहानी सदियन से भी पुरानी हो ई ज्ञान गा